Hey guys, welcome back to my channel. My name is Madhumita and I am back with my another video. आज हम इंडस्ट्रियल लॉ का जो चैप्टर पहले हमने स्टार्ट किया था दैट इज़ पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 उसका पार्ट टू करने जा रहे हैं. पार्ट वन हमने ऑलरेडी कर लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है. उसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, एप्लीकेबिलिटी, ऑब्जेक्टिव एंड कुछ कॉमन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखे थे. तो चलिए आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्ट टू को स्टार्ट करेंगे हम सेक्शन थ्री से. सेक्शन थ्री से इसकी शुरुआत होगी. सेक्शन थ्री में कहा गया है रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस. इसका मतलब कि पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब वेज को पेमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा. नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो पेमेंट ऑफ वेजेस का रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, एम्प्लॉयर होगा. लेकिन यहाँ पे हम अलग अलग केसेस में देखेंगे एम्प्लॉयर किसको माना गया है. पहले बात करते हैं फैक्ट्री की. फैक्ट्री में कौन होगा दायित्व, किसका होगा दायित्व, मैनेजर का. मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री जो है रिस्पॉन्सिबल होगा पेमेंट ऑफ वेज के लिए. सेकेंड है इंडस्ट्रियल और अदर इस्टेब्लिशमेंट. इसमें एम्प्लॉयर किसको कहा गया है, द एम्प्लॉयर फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल ऑफ द इंडस्ट्रियल एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट. मतलब कि जो व्यक्ति सुपरविजन का काम करता हो, कंट्रोल करता हो इंडस्ट्रियल एंड अदर इस्टेब्लिशमेंट को, वो ही इस केस में एम्प्लॉयर कहलाएगा. मीन्स कह सकता सुपरवाइजर. ठीक है, तो सुपरवाइजर का दायित्व होगा पेमेंट ऑफ वेज का देने का. सी है रेलवेज. रेलवेज के केस में एम्प्लॉयर कौन होगा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होगा. और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन जो होगा एक पर्सन को नॉमिनेट कर देगा अपने बिहाफ पे. वाई, ताकि वो लोकल एरिया के जो कंसर्न है लोकल एरिया को देख सके. ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके अपने बिहाफ पे. लेकिन अदरवाइज एम्प्लॉयर कौन होगा, रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पेमेंट ऑफ वेज के लिए. नेक्स्ट है इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर. कॉन्ट्रैक्टर के केस में क्या होगा, ए पर्सन डेजिग्नेटेड बाय सच कॉन्ट्रैक्टर. डेजिग्नेटेड मीन्स नामांकित. ठीक है, मीन्स इनरोल करना, इनरोलमेंट. तो वो जो सच कॉन्ट्रैक्टर होगा, जो ओनर होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, वो जिस पर्सन को इनरोल किया होगा वही एम्प्लॉयर होगा इस केस में. उसका दायित्व बनेगा पेमेंट ऑफ वेज देने के लिए. और बाकी केसेस में, इन चारों केसेस को छोड़ के, इन एनी अदर केस में अ पर्सन डेजिग्नेटेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर जिसको डेजिग्नेट करेगा. ठीक है, ऐसे तो एम्प्लॉयर ही मालिक है, लेकिन अगर किसी अदर केस की बात की जाए तो वहां पे एम्प्लॉयर जिसको इनरोल कर देगा कि हाँ आप ये दायित्व ले लो पेमेंट ऑफ वेज का, तो वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. सेक्शन फोर. सेक्शन फोर कहता है फिक्सेशन ऑफ वेज पीरियड. मतलब कि एक वेज पीरियड जो एक टाइम है उसको फिक्स करना. ऐसा थोड़ी है कि कभी भी दे दो. ठीक है, कभी भी वेज दे दो, महीने के लास्ट में दे दो, महीने के बाद दे दो, ऐसा थोड़ी हो सकता है. तो उसके लिए एक डेट फिक्स किया गया है. ठीक है, तो वेज पीरियड में भी डेली, डेली भी वेज दिया जा सकता है, वीकली भी दिया जा सकता है, फोर्टनाइटली भी दिया जा सकता है, और एनी पीरियड बट द पीरियड शुड नॉट एक्सीड वन मंथ. लेकिन एक महीने के बाद वेज नहीं दिया जा सकता, एक महीने के अंदर ही वेज दिया जाएगा. ठीक है, कहीं कहीं जगह पे वेजेस डेली दी जाती है, कहीं वीकली दी जाती है, कहीं फोर्टनाइटली. मैंने फोर्टनाइटली मतलब दो सप्ताह की अवधि, मीन्स 15 डेज में जाके वेजेस दिया जाता है. लेकिन बोला गया है कि एक महीना से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपको एक महीने के अंदर अंदर ही ये डेली, वीकली और फोर्टनाइटली में ही आपको इन तीन सिचुएशन में ही वेज का पेमेंट कर देना होगा. सेक्शन फाइव. सेक्शन फाइव कहता है टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ वेजेस. अब यहाँ पे ना कुछ कैटेगरी डिसाइड कर दिया गया है और उनका टाइम लिमिट भी सेट कर दिया गया है. ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़ा डेली, वीकली, फोर्टनाइटली, ये तीन सिचुएशन में यहाँ पे डिफाइन कर दिया गया कब कब पेमेंट होना है. ठीक है, पहले सिचुएशन में कहा गया है कि रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल, अदर इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड, वहाँ पे वेज शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेवेंथ डे. रेलवे, फैक्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड एस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे 1000 व्यक्ति से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, काम कर रहे हैं, लेस देन 1000 पर्सन आर एम्प्लॉयड, वहाँ पे वेज कैसे पेड किया जाएगा, किस दिन पेड किया जाएगा, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेवेंथ डे, महीने के सातवें दिन के ख़त्म होने से पहले ही वेज का पेमेंट होना चाहिए उन व्यक्तियों को. ठीक है, जो ऐसे जो इन एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं. नेक्स्ट है अदर रेलवे, अदर फैक्ट्री, अदर एस्टेब्लिशमेंट एंड अदर इंडस्ट्रियल. मतलब जो कि फर्स्ट केस में बिलोंग
बिलोंग नहीं करते, उनके लिए वेज कैसे पेड किया जाएगा? वेज शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 10th डे, महीने के 10वें दिन को ख़त्म होने से पहले ही आपका वेज जो है पेड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक, मतलब किसी एम्प्लॉय का सर्विस जो है टर्मिनेट कर दिया गया है, कौन टर्मिनेट करेगा, कौन खत्म करेगा? एम्प्लॉयर खत्म करेगा, तो उस केस में उसको वेजेस मिलेगा। वेज शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2nd वर्किंग डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड। उसका एम्प्लॉयमेंट जिस दिन खत्म हुआ उसके बाद का, मतलब जिस दिन उसका 2nd वर्किंग डे होगा, मतलब मान लीजिए आज टर्मिनेट हुआ सर्विस खत्म हुआ, कल पड़ गया हॉलीडे, फिर परसों पड़ा 1st वर्किंग डे, देन 2nd जो होगा 2nd वर्किंग डे पे उसको ये वेज मिल जाएगा, हॉलीडेज जो होगा उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी पर्सन इन एन एस्टैब्लिशमेंट इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, अगर एम्प्लॉयज़ का सर्विस खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है, वाई? बिकॉज क्लोजर ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, मतलब एस्टैब्लिशमेंट ही वो बंद हो जा रहा है, पूरा पूरी क्लोज हो जा रहा है तब। ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया अदर देन वीकली हॉलीडेज या कोई भी ऑथराइज्ड हॉलीडेज को छोड़कर। ठीक है, हॉलीडेज में बंद हो रहा है तो वो नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे बोल रहा है क्लोजर, प्रॉपरली क्लोज हो जा रहा है। उस केस में वेज शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द 2nd डे फ्रॉम द डे ऑन विच हिज एम्प्लॉयमेंट इज टर्मिनेटेड, मीन्स जिस दिन एम्प्लॉयमेंट खत्म हुआ उसके दूसरे दिन, ठीक है, या 2 दिन बाद बोल सकते हैं 2nd डे। आज अगर टर्मिनेट हो रहा है तो कल से परसों 2nd डे माना जाएगा, उस दिन उसे वेज मिल जाना चाहिए। एंड लास्ट है, ऑल पेमेंट ऑफ वेजेस शैल बी मेड ऑन अ वर्किंग डे। ओके, ये जो सारे जो है पेमेंट जो है ना, जो अभी तक हमने पढ़े, वो वर्किंग डे में होने चाहिए। वर्किंग डे मीन्स जब काम हो रहा है जिस दिन, ठीक है, हॉलीडे या कोई वीकली डे जिसमें छुट्टी हुआ, सैटरडे, 2nd सैटरडे, जैसे कई बार छुट्टियां होती है, उन दिनों में ये वेज नहीं मिलेगा। ठीक है, जिस दिन वर्किंग डे होगा उसी दिन मिलेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 6, जो कि कहता है मोड ऑफ पेमेंट, मतलब ये जो वेज का पेमेंट होगा वो किस तरीके से होगा। ऑल वेजेस शैल बी पेड इन करेंसी कॉइन और करेंसी नोट, नोट में भी हो सकता है, कॉइन में भी हो सकता है, और बाय चेक में भी हो सकता है। चेक क्रेडिटेड द क्रेडिटिंग द वेजेस इन बैंक अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, तो या तो बाय चेक बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या तो कॉइन या तो फिर नोट से भी पेमेंट किया जा सकता है। आज हमने 4 सेक्शन कवर किया गाइज, अब हम नेक्स्ट पार्ट में जो अपना पार्ट 3 होगा उसमें आगे के सेक्शन कवर करेंगे। ठीक है गाइज, आशा करती हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा यहाँ तक। वीडियो पसंद आने पे प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज़।